अगर आपको कोई समस्या हो और मैं वीडियो लेकर ना आऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। अभी देख रहे होंगे कि अपना इंस्टाग्राम जो आप ओपन करते हैं और आपने इंस्टाग्राम के यहाँ पर फीड को ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कुड नॉट रिफ्रेश फीड्स। यहाँ पर जो फीड्स होता है, जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक, अब कुछ भी नहीं हो रहा। आप किसी की स्टोरी देखना चाहेंगे, स्टोरी नहीं देख सकते हैं। आप अपने रील्स देखना चाहते हैं, रील्स नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक हमारे चैनल विजटेक को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये प्रॉब्लम जब आपको देखने मिलती है, जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुड नॉट रिफ्रेश फीड, ये बार बार आपको देखने मिलेगा। ये 2 से 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। कारण क्या है, मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूँ। अब देखिए, आप अपने प्ले स्टोर में जाते हैं। आप मैं अपने प्ले स्टोर में गया और यहाँ पर इंस्टाग्राम को मैंने सर्च किया, देखिए इंस्टाग्राम सर्च किया और इसको क्लिक कर दिया। इंस्टाग्राम मेरा क्या है, बीटा वर्जन पे है। आपका अगर आप बीटा वर्जन पे है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आपके इंस्टाग्राम पर अपडेट आया है और आपने अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर दिया है तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपना इंस्टाग्राम ही अनइंस्टॉल कर देना होगा। जब आप इंस्टाग्राम यहाँ पर अनइंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक मान लो सिंपल, आपको इंस्टाग्राम अगर आप बीटा वर्जन ज्वाइन किए तो आपको इंस्टाग्राम फिर से डाउनलोड कर लेना है, सिंपल वर्जन। आपको विदाउट यहाँ पर बीटा वर्जन ज्वाइन किए। और दूसरा, आपको अगर ये प्रॉब्लम पहले से आ रही है और आपने अपडेट भी नहीं किया है और आप बीटा वर्जन भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको एक यहाँ पर ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको अपने यहाँ पर क्रोम ओपन करना होगा और क्रोम पर आपको सर्च करना होगा यहाँ पर अप डाउन इंस्टाग्राम, यहाँ ठीक है, यहाँ पर अप डाउन वाले से यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीधे यहाँ पर इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स, आपने अगर इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन लिखा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ऊपर की तरफ सबसे पहला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओल्डर वर्जन फॉर ऑफ इंस्टाग्राम, इस पर आपको टाइप करना है। और इसके नीचे जैसे ही आप आते फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 15 नवंबर का जो अपडेट आया था और यहाँ पर उसी अपडेट को यहाँ पर क्लिक कर लेना है, आपका रिफ्रेश वाला फीड वाली प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स इस तरह से आप करते हैं तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ दिन आपको लॉगिन करना है, जैसे ही नया अपडेट आएगा उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।